की संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया। विधायक दल की बैठक में नहीं आने के बाद विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जारी की गई नोटिस को आज राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। सचिन पायलट के साथ ही पृथ्वीराज मीणा और अन्य सभी 19 विधायकों की ओर से दी गई इस चुनौती याचिका पर आज राजस्थान हाईकोर्ट में अवकाश के बावजूद दोपहर तीन बजे सुनवाई हुई। एकलपीठ में जस्टिस सतीश कुमार शर्मा ने पहले इस मामले पर सुनवाई की और सुनवाई के दौरान ही इस मामले में जब सचिन पायलट की ओर से अधिवक्ता हरीश सालवे ने कहा कि वो इसकी नोटिस की वैधानिकता को चुनौती दे रहे हैं, जिस पर महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने विरोध किया और कहा कि चूंकि ये नोटिस संविधान की प्रदत्त शक्तियों के तहत दिया गया है और शेड्यूल 10 के तहत दिया गया है, इसलिए ये अगर चुनौती देना चाहते हैं तो उनको शेड्यूल को चुनौती देनी होगी, जिसके लिए खंडपीठ के समक्ष ही याचिका दायर करनी होगी। सुनवाई के दौरान ही हरीश सालवे ने कहा कि वो जल्दबाजी में याचिका पेश की है, इसलिए उनको जो नियम संशोधित नियम है या कहें संविधान का जो प्रावधान है उसको चुनौती देना चाहिए, लेकिन वो नहीं किया, इसलिए उन्होंने संशोधित याचिका पेश करने की अनुमति मांगी, जिसे जस्टिस सतीश कुमार शर्मा ने मंजूर कर ली। पुनः 4:15 पर हाईकोर्ट में ये संशोधित याचिका के लिए एप्लीकेशन दायर की गई। हाईकोर्ट ने शाम 5 बजे इस पर भी सुनवाई की और इस मामले को 10 मिनट की सुनवाई के बाद खंडपीठ को रेफर कर दिया। देर शाम तक खंडपीठ के गठन के प्रयास होते रहे। वहीं शाम करीब 8 बजे के करीब मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में जब भी इस खंडपीठ का गठन किया जाना था, तभी सूचना दी गई कि इस पूरे मामले की सुनवाई जो है कल 2:01 की जाएगी। इस तरह दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सचिन पायलट सभी 19 विधायकों को दिया गया नोटिस के लिए जो मियाद दी गई है वो भी कल 2:01 की है। ऐसे में इस पूरे मामले पे अब सभी की निगाहें बढ़ जाती हैं कि हाईकोर्ट में जो आज दिन भर जो सुनवाई का दौर रहा, अब उसमें कल क्या हो पाएगा। दूसरी तरफ कहें इसमें अलग अलग पक्षकारों में जहाँ अभिषेक मनु सिंह भी ने सीपी जोशी की ओर से पक्ष रखा, वहीं उनके व्यक्तिगत रूप से वकील जो हैं प्रतीक कासलीवाल ने पैरवी की, तो हरीश सालवे और मुकुल रोहतगी जो हैं सचिन पायलट गुट की ओर से रहे और दिव्येश माहेश्वरी राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता जो स्थानीय स्तर पर अधिवक्ता रहे उन्होंने पैरवी की। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का, यहां से बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी भंवर एस चारण। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा के हथे चढ़ा रिश्वतखोर एएसआई गोविंद सिंह एसीबी कोटा की ग्रामीण यूनिट ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए बोरखेड़ा थाने के सामने से किया गिरफ्तार। रिश्वतखोर एएसआई रिश्वत की यह रकम परिवादी टीपू से एक मुकदमे में नाम हटाने और साथ में लॉकअप में बंद करके मारपीट नहीं करने की एवज में वसूल कर रहा था। एसीबी कोटा ग्रामीण यूनिट के इंस्पेक्टर वासुदेव के मुताबिक इस पूरे मामले में रिश्वतखोर एएसआई ने पहले 50,000 रुपए की रिश्वत राशि की डिमांड की थी, लेकिन बाद में 20,000 रुपए में सौदा तय हो गया था। एसीबी यूनिट ने बोरखेड़ा थाने के सामने से जैसे ही एएसआई ने पैसे हाथ में लिए वहीं से उसे रंगे हाथों दबोच लिया और बाद में बोरखेड़ा थाने के अंदर ले जाकर के सारी कार्रवाई पूरी करने के बाद एएसआई गोविंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया। एसीबी कोटा ग्रामीण यूनिट के इंस्पेक्टर वासुदेव के मुताबिक फिलहाल इस पूरे मामले में केवल रिश्वतखोर एएसआई की भूमिका ही सामने आ रही है, ना तो कोई दलाल की भूमिका सामने आ रही है और ना ही फिलहाल इस पूरे मामले में कोई सह अभियुक्त है, लेकिन फिर भी मामले की अलग अलग एंगल से जाँच जारी है। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग का, यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी दीपक लवानिया। भरतपुर जिले की डीक थाना पुलिस के हाथ आज एक बड़ी सफलता लगी है और पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। इस बदमाश पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। भरतपुर के नए एसपी डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर द्वारा शुरू कराए गए फरार अपराधियों की गिरफ्तारी व धरपकड़ अभियान के तहत डीक थाना पुलिस के हाथ आज एक बड़ी सफलता लगी है। एडिशनल एसपी बुगलाल मीणा के निर्देशन व सीओ मदनलाल जैफ के सुपरविजन में पुलिस ने यूपी पुलिस के 25,000 के शातिर इनामी बदमाश इलियास को गिरफ्तार किया है। डीक के थाना प्रभारी गणपतराम चौधरी ने फर्स्ट इंडिया न्यूज को बताया कि डीक थाना के भीलम का गाँव का रहने वाले शातिर बदमाश इलियास ने उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी थाना इलाके में अपहरण की वारदात को वर्ष 2012 में अंजाम दिया था और तभी से फरार चल रहा था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। उन्होंने बताया कि आज पुलिस को मुखबिर द्वारा बदमाश के
गांव में होने की जानकारी मिली तो पुलिस ने भीलम का गांव के पास कोकला वाले चौराहे पर इसकी घेराबंदी कर दबोच लिया। बदमाश के कब्जे से एक 12 बोर का कट्टा व 2 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। थाना प्रभारी गणपतराम चौधरी ने बताया कि बदमाश को पकड़ने में पुलिसकर्मी रविंद्र सिंह, समंदर सिंह, जितेंद्र, कैलाश व नंदराम की विशेष भूमिका रही है। डीक थाना पुलिस ने आज बदमाश को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने फतेहपुर सीकरी थाना पुलिस को भी बदमाश को पकड़ने की सूचना भिजवा दी है। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का, यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर की सबीना थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एटीएम और बोलेरो लूट की घटना में लिप्त मेवात गैंग के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक दिल्ली क्राइम ब्रांच का बर्खास्त हेड कांस्टेबल भी है। उदयपुर की सबीना थाना पुलिस ने बोलेरो चुराने और एटीएम लूट की वारदात में शामिल मेवात गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों में से एक दिल्ली क्राइम ब्रांच का बर्खास्त हेड कांस्टेबल है। दरअसल सबीना थाना पुलिस के एएसआई कन्हैया लाल ने बताया कि थाना क्षेत्र में फरवरी 2020 में एकलिंगपुरा में एटीएम तोड़कर रुपए चुराए गए थे। वहीं 2019 में बोलेरो चोरी और एटीएम तोड़ने की वारदात भी इसी गैंग ने की थी। इस पर पुलिस ने सुराग जुटाते हुए असलुक खान और शाहिद खान नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जो मेवात हरियाणा के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 21 जुलाई तक दोनों को रिमांड पर भेजा गया है। एएसआई ने बताया कि अशलुक खान क्राइम ब्रांच दिल्ली में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था, जिसे 2017 में बर्खास्त कर दिया गया और इसके बाद से ही वो वाहन चोरी और एटीएम लूट की गैंग बनाकर वारदातें करने में लगा रहा। पुलिस ने इन दोनों ही आरोपियों को 21 जुलाई तक रिमांड पर लिया है। इस दौरान पुलिस इन दोनों ही आरोपियों से कड़ी पूछताछ करेगी, साथ ही इनके अन्य साथियों और अब तक की गई घटनाओं के बारे में जानकारी जुटाएगी। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का, यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं जैसलमेर से हमारे सहयोगी सूर्यवीर सिंह। नगर परिषद सभापति की पत्नी व डिप्टी सीएमए चौके कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद शहर भर में एक बारगी हड़कंप मच गया है। प्रशासन भी इन 2 पॉजिटिव के चलते हरकत में आ गया है। वहीं चिकित्सा विभाग की ओर से सभापति सहित उनके परिजनों के सैंपल लिए गए। वहीं डिप्टी सीएमए चौके पॉजिटिव आने से सीएमएचओ ऑफिस व उनके आसपास के संपर्क में आने वालों के सैंपल भी लिए गए। जैसलमेर में 2 प्रमुख लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने से एक बारगी हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सभापति की पत्नी 20 से 25 दिन पहले बीकानेर से आई थी। ऐसे में उस वजह से कोरोना पॉजिटिव होने की संभावना बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इतने दिन तक शरीर में कोरोना वायरस नहीं टिकता है। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएमएचओ भी बाहर नहीं गए थे, तो वे पॉजिटिव कैसे हुए यह स्पष्ट नहीं है। आज सुबह जैसलमेर के राजकीय जवाहर अस्पताल में कोरोना जांच करवाने वालों की लंबी भीड़ उमड़ पड़ी। एक तरफ जहां सभापति के संपर्क में आए लोग कोरोना की जांच के लिए आए, वहीं दूसरी तरफ कई लोगों में सभापति के घर में कोरोना की दस्तक से भय का माहौल है, जिससे अस्पताल के कोविड जांच करवाने की भारी भीड़ लग गई। इससे कुछ देर बाद अव्यवस्थाओं का आलम हो गया। बाद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आकर लोगों से समझाइश की। वहीं पॉजिटिव मरीजों के संपर्क वालों की कोरोना जांच करने के आदेश दिए। वहीं दूसरी तरफ कोरोना महामारी के मद्देनजर नगर परिषद सभापति पत्नी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण जिला कलेक्टर आशीष मोदी के निर्देशानुसार नगर परिषद कार्यालय आज व कल बंद रखा गया है। नगर परिषद आयुक्त फतेह सिंह मीणा द्वारा जारी आदेश में नगर परिषद के समस्त कार्यालय स्टाफ को आदेशित किया गया है कि इन दोनों ही दिन में अपने अपने घरों में होम क्वारंटाइन रहेंगे तथा राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की गाइडलाइन की पूर्ण रूप से पालना करेंगे। आज नगर परिषद कार्यालय पूर्ण रूप से बंद रहा तथा कार्यालय में सन्नाटा पसरा रहा तथा परिषद को सैनिटाइज कर ताला लगा दिया गया है। शहर में कोरोना संक्रमण की चेन फैलने का खतरा अब बढ़ गया है। सभापति का सैंपल भी अब ले लिया गया है, जबकि सभापति लगातार नगर परिषद आ रहे थे और कई कार्यक्रमों में भी शिरकत की है। यदि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो संक्रमण की चेन बढ़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएमएचओ भी लगातार काम कर रहे थे और कई लोगों के संपर्क में थे, उनकी वजह से अन्य लोगों में कोरोना संक्रमण हो सकता है और जैसलमेर में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए घरों में सुरक्षित रहने की सख्त जरूरत है। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का, यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव।
बीकानेर में आज 49 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, वहीं एक कोरोना पेशेंट की डेथ भी हुई है। अब तक बीकानेर में 29 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत हो चुकी है। कलेक्टर नमित मेहता लगातार एक्टिव मोड में हैं, एसपी के साथ बैठक कर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कम्युनिटी स्प्रेड ना हो। आज नया शहर और देशनोक के कुछ इलाकों में भी कर्फ्यू इम्पोज किया गया है, साथ ही साथ कलेक्टर ने कुछ और बैठकें भी ली। इधर ACS होम रोहित कुमार सिंह द्वारा जारी किए गए निर्देशों को लेकर भी प्रशासन और पुलिस सतर्क नजर आ रहा है। आज नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर नमित मेहता का कहना है कि हमने जांचें बढ़ा दी हैं, जिसके चलते पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, सतर्कता बरतने की जरूरत है। तमाम जो एडवाइजरी जारी की जा रही है उसकी पालना की बेहद ज़रूरत है। गौरतलब है कि बीकानेर की ओल्ड सिटी में पूरी तरह से कर्फ्यू है और लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं कोरोना पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और कोरोना पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि ये अच्छी बात है कि डेथ रेट अब कम हुई है, तो वहीं जाँचें भी बढ़ा दी गई हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपने अपने संभाग से जुड़ी बड़ी खबरों से मुखातिब कराने के लिए। आगे बढ़ते हैं।